जी मैनेजर साहब, कैसा चल रहा है हमारा बिजनेस? क्या चाइना वाली फैक्ट्री में आग लग गई? शिट यार मालिक, गेट पे भिखारी आया। भिखारी? एक तो वैसी टोटे में चल लिया मामला, और ये भिखारी अपनी ऐसे मरवा रहे हैं। ले 50 रुपए उसे दे और दफा कर यहाँ से। मालिक वो कह रही है 50 के नोट की पत्ती बनाकर अपनी गांड में घोंच लो, वो आपसे मिलना चाहता है। बुला के ले आओ उसे। मैं आ गया, दुनिया की बुराई खत्म करने आ गया। बाबा देशनाथ नाम है मेरा। बाबा मैं पहले से ही परेशान हूँ और तुम परेशान करने आ गए, जल्दी बताओ क्या बात है? बच्चा तेरी परेशानी दूर करने आया हूँ। बच्चा अभी अभी तेरी चाइना वाली फैक्ट्री में आग लगी। हैं? तुम्हें कैसे पता? ये बात तो खैर इसने बताई है, मगर तेरी ही परेशानी दूर करने आया हूँ मैं। अभी पता करता हूँ क्या परेशानी है। काली गड्डिया, काली सूट पे, काली जिंदगी, काले रुपए, डार्क लाइफ तेरी मशहूर होती, तेरे सुनते सुनते हंसने का शिकार हो गया आप। बाबा अब क्या बात हो गई? बाबा परेशानी ज्यादा तकड़ी है क्या? परेशानी का भी पता नहीं लगा, पता कर रहा हूँ, टेंशन मत ले। काली गड़िया, काली सूट, काली जिंदगी, काले रुपए। अबे अबे तेरे घर पे तो इच्छाधारी नाग नागिन का साया है। हाँ, अब से कुछ साल पहले तूने एक सांप का बच्चा मार दिया था, और वो बच्चा इच्छाधारी नाग नागिन का बच्चा था। मरते मरते उस बच्चे ने सोनी अल्फा 6400 के लेंस से तेरा ब्लर मार के फोटो खींच लिया था, और उस फोटो को अपनी अम्मी के व्हाट्सएप अकाउंट पे डॉक्यूमेंट कर दिया था ताकि वो फोटो फटे ना। तब से इच्छाधारी नाग और नागिन तेरे जानी दुश्मन बने हुए, तुझे मार के ही रहेंगे। पर उन्होंने मुझे अभी तक मारा क्यों नहीं? मारा इसलिए नहीं क्योंकि उन दोनों पे नागों के नाग शेष नाग का श्राप लगा हुआ, इसलिए वो तुझे दसंगे नहीं बल्कि बर्बाद कर करके मारेंगे। तो इसका बाबा कुछ उपाय तो होगा? उपाय है बच्चा, एक इच्छाधारी नाग और नागिन की शक्ति उसकी मणि में होती है, तू उस मणि को हासिल कर ले और वो दोनों तेरे कब्जे में आ जाएंगे। तो बाबा वो मणि मैं कैसे प्राप्त करूंगा? तू क्यों टेंशन ले रही है, प्राप्त हम करेंगे। I love you so much बाबा, तुम कितने प्यारे हो, कितने दयालु हो, love you बाबा। अब ओ दयालु पयालु ना हूँ मैं, इस काम को करने के पूरे 10,000 रुपए लूंगा, पर मेरे भी तो बीवी बच्चे हैं, उनका भी तो पेट है, उन्हें भी तो पालना है। चलो तो फिर इस इल्लत को काटो यार। ठीक है, मैं इस काम को अंजाम दूंगा, मैं पिटारा ले आऊं और क्या कहना है उसको दीन लेकर आता हूं। ठीक है भाइयों और बहनों, माताओं और चचियों, आपकी गली आपके शहर में आ चुके हैं बाबा कड़कनाथ खेल दिखाने वाले। अरे गुरुजी मेरा नाम भी तो लो, मैं भी तो हूँ तुम्हारे साथ यार। और मेरे साथ मेरा मुझोर चेला भी है, जल्दी जल्दी आओ, लड़की नागिन बनेगी। अबे कोई बड़ा आदमी नहीं है इस मोहल्ले में, ये आटू झाटू हमारे पीछे लगे फिर रहे हैं। ले बेटे तू बजा, और ऐसी बजाइए हर आदमी उठ कर आ जावे। ठीक है। अरे कहाँ मर गए मोहल्ले वालों, पहन के लड़ो जिसकी गांड में दम है, हमारा खेल देखना हो। रे कांगे, अबे गाली कौन से बक रहा है? नहीं मारो मत, देखो इनने बकी है गाली। झूठ बोल रहा गुरु जी, मुझ पर नाम लगा रहा हूँ नगद में बिल्कुल, तुम इन्होंने बकी गाली। अरे बहन के लड़े, तूने ही तो बहन की गाली बकी है। भाई यार क्या एक्टिंग कर रहा गुरु जी, चल पे नाम लगा रहा गामी का तुम। मान ना मत, माँ को चौदू इस दिन से ही बहुत टाइम हो गया तुम्हें। हाँ तो मत बकियो फिर। जमूर है, अगर मैं यहाँ पे किसी का सांप बना दूँ खेल कच्चा की पक्का? बिल्कुल कच्चा। मैं पक्का? हाँ पक्का। तो मेरे भाइयों बुजुर्गों साथियों, अगर मैं आपको सांप दिखा दूँ तो डरोगे तो नहीं? नहीं। तो मेरे दोस्तों नौजवान साथियों, आप सांप इस झोले से देखना पसंद करेंगे या लुंगी से देखना पसंद करेंगे या मेरी जेब से देखना पसंद करेंगे? मैं तो लुंगी से करूंगी। तो मेरी सेटिंग, मेरी बहुत अच्छा सामान, एक नंबर का जुगाड़, मुझसे इशारा करके ये कह रहा है कि लुंगी से सांप देखना पसंद करेंगी। तो आइए अपने कदम यहाँ पर लाइए, अपना हाथ मुलाम करके हमारी लुंगी में प्रवेश कीजिए, सांप जरूर निकलेगा, जल्दी आइए। मेरे भाइयों मेरी कोई गारंटी नहीं है, कोई भी भाई मुट्ठी बंद करके नहीं बैठेगा, अगर मुट्ठी बंद की तो मेरा भाई मुट्ठी मानने लायक नहीं रहोगे, मैं पहली बता रही हूँ। आप जल्दी आइए, ले भाई ले पकड़। सीधा वाला हाथ लुंगी में डालिए। सांप तो है का, पर निकल क्यों नहीं रहा? निकलेगा, भी निकलेगा थोड़ी देर में, थोड़ा पुचकारो, नाराज है। निकल ही नहीं रहे तो नहीं निकलेगा, निकालता सही।
इस सुवन ने हाथ सान दिया। हाथ ने साला जहर उगल दे दिया बहन के लोगों ने। चले भाग। उस्ताद मैं तुम्हारे साथ रहता रहता आ गया हूँ परेशान। कमाई ममाई हो नहीं रही है बिल्कुल भी। अब मैं जाऊंगा किसी खतरनाक बाबा के पास जो मुझे पैसे देगा खूब भर के। तुझे पैसे ही कमाना है ना? हाँ और क्या नहीं। इस मॉडर्न और फास्ट चेंजिंग वर्ल्ड में ओक्टा एफएक्स की तरफ से कॉपी ट्रेडिंग ऐप तेरी मदद कर सकता है। ये क्या भाई ओक्टा एफएक्स? तुझे ओक्टा एफएक्स के बारे में नहीं पता? ओक्टा एफएक्स डेली कैपिटल्स की नई प्रिंसिपल स्पॉन्सर बन गई है और तो और इंडिया के बेस्ट फॉरेक्स ब्रोकर 2022 भी है। उस्ताद तुम्हें पता है इन सब के बारे में? मुझे भी बताओ। इस प्लेटफॉर्म पर एक लिस्ट होती है एक्सपीरियंस फॉरेक्स ट्रेडर्स की जिनको मास्टर ट्रेडर्स कहा जाता है। तू अपना मास्टर ट्रेडर खुद चॉइस कर सकता है उनके फाइनेंशियल रिजल्ट और रिस्क का स्कोर देखकर। फिर बस कॉपी बटन पर क्लिक कीजिए फिर जो भी ट्रेड मास्टर ट्रेड करेगा वो तेरे अकाउंट में आ जाएगा। इसका मतलब जब भी मास्टर ट्रेडर अर्न करेगा तो तू भी अर्न करेगा। इसका कमीशन भी बहुत कम होता और पे भी सिर्फ तब करना होता है जब आपको प्रॉफिट हुआ हो। तो मतलब मुझे कुछ ज्यादा नहीं करना सच्ची? हाँ हर ट्रेडर को रैंक भी किया जाता है उनके रिस्क पे 1 से लेकर 6 तक उनके ट्रेडिंग स्ट्रेटजी और प्रॉफिट के बेसिस पर मतलब फुल ट्रांसपेरेंसी मिलती है मेरे भाई। ये तो सही है यार। तो अगर आप भी अपना पैसा काम पे लगाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाओ तो आपको एक्सक्लूसिव 50% बोनस भी मिलेगा। ओक्टा एफएक्स बेस्ट ऐप है एक्स्ट्रा इनकम के लिए। ये तो सही है और इसे तो मैं अभी डाउनलोड करता हूँ। जल्दी कर अभी मेरे सामने। क्या हुआ बाबा कुछ हुआ तो नहीं? कुछ हुआ तो नहीं, मामला डिम में बीच वाली टांग पे काटा, बंद भी नहीं लग सकता। अगर तू चूस सके तो चूस ले, बचा ले मेरी जान। तो बाबा नागमणि कैसे मिलेगी फिर? बहन के लोड़े तुझे मेरी हालत न दिख रही, नागमणि की सोच रही है। अब तक तो उसने तुझे कुछ ना किया मगर अब वो तुझे जरूर मारेगा। अरे बाबा कुछ तो उपाय होगा, तुम तो मरने वाले हो। एक बंदा है जो तेरा काम कर सकता है, उसका नाम कड़कनाथ है। अपने ही चेला, घबरा मत, पैसे भी कम लेगा। और उससे ये मत बताना कि बाबा जी की मूर्ति हो गई, वरना तेरे कंधे पे सर रख के तर होगा कि तेरी सफेद सेट तर कर देगा वो। मत बताना। गुरुजी एक बात बताओ, ये सांपा सांपी के बहुत खेल खेले हैं तुमने, कभी कोई सांप तुम्हारे कब्जे में आया है नहीं? कब्जे में आया है? अबे उड़ने वाले बिचखबड़े तलक मैंने कब्जे में कर लिए, लेकिन साला एक ही सांप मेरे कब्जे में नहीं आया। कौन सा? मेरा खुद का सांप, 6 बत्ते ही फन बना था, साले ने 3 चड्डी फाड़ दी, नहीं अरे 1 लोवर फाड़ दिया। अरे तो गुरुजी अपनी बहू से बीन बजवाओ ना। बहू से बीन? मोहल्ले की ऐसी कोई सी लुगाई नहीं छोड़ी है मैंने जिनने बीन न बजा दियो, अब कल को तेरी बहू से बजवाऊंगा। गुरुजी वाली मजाक मत करियो मुझसे, बहू की बता रही हूँ तुमसे। गुस्सा करने की बात नहीं है, मजबूरी बैठ जाती, करवाना पड़ेगा काम। तुमने कोई खतरनाक वाला सांप पकड़ा है? कभी तुमने मेरे सामने तो कोई सांप पकड़ा नहीं। तेरे सामने? अबे बेटे तेरे सामने अगर मैं सांप पकड़ूंगा तो तू डर जाएगा, दिक्कत आ जाएगी, कौन जिम्मेदार है बता? तू हार्ट अटैक आ गया तो परसों की ले तू रही था मेरे साथ। मैंने साला एनाकोंडा पकड़ा। एनाकोंडा? ऐसा मत कह भाई, एनाकोंडा आई स्टोन टी स्टोन पोंडा सोंडा लंडकोंडा सब पकड़ लगते। अरे गुरुजी सांप की मौसी। अरे मैया रे, अबे बहन के लोड़े कहाँ है सांप की मौसी? मजाक कर रही था मैं तो। ओ सुनी गई, इसमें भी मजाक मत करिए, मेरी जान जीप पे को आ गई मेरी। तुमने बड़े बड़े सांप पकड़े हैं, खंजो। ओ मौसी से तो गाल फटे है हमारी, सांप कितने बड़े लिया, एनाकोंडा लंडकोंडा। तुम यार बड़े आदमी यार, तुम भेड़ा मत मारो बस। अबे बहन जी अभी मरवा देता सांप की मौसी, कह रही है बहन। मुझे तुमसे एक काम है। काम बोलो। मेरे घर में इच्छाधारी नाग नागिन का साया है और वो मुझे बर्बाद करना चाहते हैं। मैं जब घर में घुसा था तो मैंने सूंघ लिया आप बहुत बुरी सड़ान आ रही है, क्या चाहते हो? मुझे उनकी नागमणी चाहिए। नागमणी मिल जाएगी? पैसे चाहिए। पैसे? अभी एक ऐसे आदमी का नाम लूंगा, तुम उल्टे मुझे पैसे दोगे और न्यू कहोगे लो भाई साहब ये नागमणी। अरे भाई साहब वो अधिकारी है, क्या है, कौन है, वो जज है क्या? अधिकारी पदिकारी नहीं है, गुरुओं के गुरु परम गुरु बाबा देशनाथ नाम है उनका। तो हमारे 50,000 रुपए पिछले साले पे। देखो भाई तुम्हारा पहले तो काम हो जाता 1.5 लाख रुपए में, अब होगा 4 लाख रुपए में काम।
4 लाख में क्यों भाई? 50,000 तो हमारे उसमें पहले होटल के पे, और 1.5 लाख का टैक्स लग गया, तूने उसका नाम जो ले दिया। टैक्स? अबे टैक्स इस बात का भाई, तो वो तो मर गया। मर गया? लो मर गया बहन का लोड़ा, अन्ना हम मार देते। अरे तो अब तो मर गया, अब बताओ क्या करना है। करना ही क्या लल्ला, जब तक काम न होने का हाई रोटी खाएंगे, तेरे घर रहेंगे। अब पैसे जो उस पे थे अब तुम्हें देने होंगे वो तो। अरे जो तुम्हें चाहिए वो ले लो, लेकिन मुझे नागमणि चाहिए। हाँ भाई तुम ही ने इनका कमरा दिखाओ। जी मालिक आओ। गुरु जी की लुंगी में सौंप। अरे तुम भी चिल्ला रहे हो, मैंने तो सांप पकड़ा है। अरे बहुत दिन के मेरा सांप पकड़े पड़ा तू यार। तुम भी सांप पाल रहे हो? क्यों लंकी बीन बजाया जा रहे हो? किसी के घर के आगे शोर शराबा करना ये अच्छी बात है? अबे अकेला आया, नागिन कहाँ? नागिन नहीं आने की है। क्यों नहीं आने की भाई? वो इच्छाधारी होने के साथ साथ वो इज्जतदार नागिन भी है, वो बहुत खूबसूरत है, उसकी खूबसूरती के चर्चे सारे नाक लोग में है। ये लगा लो इतनी खूबसूरत है चांद भी उसे देख के शर्मा जाता। अबे यार हमने तो सब में खतरनाक बीन बजाई है, जब भी क्यों नहीं आने की वो? अबे जब तुमसे 100 बात की एक बात कह दी मैंने कि वो नहीं आने की, नहीं आने की, तो क्यों मेरी घर मारे जा रहे हो? अरे ऐसा कैसे ना आने की, हमारे उस्ताद को तो हल्के में ले रिया, इनकी बीन बजाने से एंडा कोंडा सवाना, वो क्यों नहीं आएगी? साला फालतू बोले जा रिया, ले चले 4 लोगों के जोड़े लाई, मैं अभी बताता हूँ। बहन का रोटला गिन नहीं मानिया, साले ऐसा फूक का मारूंगा, रुक जा। अबो इसे लोगों के जोड़े को अपनी जेब में रख ले, सब्जी में डालने काम ना। साले मुझे पता ना तुम फ्रॉड हो, मेरे और जंगल नाइडू के बीच में बताओ, उसे मेरे बेटे को मारा है और मैं उससे अपना बदला लेकर आऊंगा। आओ यार। अरे यार ऐसी जा रहा हूँ, मतलब आओ यार, बेइज्जती करवाओगे इसके सामने? बेइज्जती नहीं है, इस टाइम ज्यादा गुस्से में हूँ, मर मर आ गया, थाने कचहरी होंगी, कौन जिम्मेदार है? अरे हम लेंगे, मारो साले को, भस्म करो तुम। अरे नहीं समझे कर यार, कल को लेंगे, आज मुझ में ज्यादा गुस्सा। चल भाई कल को देखेंगे तुझे। तुम्हारी माँ का भोसड़ा तुम्हारी। मैडम जी मेरी बात तो सुन, दारू पी के हो गए। अबे ओ सालो तुम्हें 15 दिन हो गए ऐसी करते करते, तुमसे कुछ भी ना हो रिया। वहाँ मुझे इच्छाधारी नाग ने खेल लिया, वो तो मैं वहाँ से बच के निकल गया, ना तो मुझे जान से मार देता वो। अरे ऐसे कैसे मार देता तुम्हें जान से, पहले तुम्हारी मारता फिर मारता तुम्हें जान से। अबे ओ झमूरे का फलान, तू साले कम बोलेगा ना तो तेरा सुअर भर दूंगा, और हाँ अगर मुझे कुछ हो गया ना तुम्हें तो जब बताऊंगा। क्या कर लेगा मैं तू? अबे चल छोड़ हटा। अबे कर क्या लेगा तू, बता पहले तू। अबे चल यार छोड़ हटा यार, देख रहा है इसकी मुझोरी की, साले मुझोरी करेगा यही मारूंगा, यूं बता कर क्या लेगा। ले दे भोसड़ी के, ये कर लूंगा। अब तुमने हाथ छोड़ दिया तो बड़ी ढूंढनी पड़ेगी, वो तो मजबूरी बन गई। और हाँ 10 दिन के अंदर अंदर अगर तुमने नागमणि मुझे ला के ना दी, सालो तुम्हारा बोरे बिस्तर निकाल के बाहर डाल दूंगा। जल्दी जल्दी तू इधर को जम जम सारे नाच के दिखा दो, लाइके जम 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 सारे मूड बना दो। नागिन को बुलाओ, नाग तो कब्जे में आने का नहीं है, मैंने सुना है औरतों में दिमाग कम होता है, कभी बहलाए फुसलाए में आई जावे। नाग क्या कह रही था, कितनी खूबसूरत है, इस बहाने से उससे मुलाकात भी हो जाएगी अपनी। सही कह रही तू, पर साली शादी वाली बीन पे तो आई ना वो, अब हिप हॉप वाली बीन बजानी पड़ेगी, वो ही मिया इसी बॉय बादशाह। नागिन को प्रकट मत करो, वो नहीं आने की है। वो तो वो आ गई। इनकी लोड़ी तुझसे भी मेरे बिना रुका ही नहीं जाता, हर जगह को गांड के पीछे पीछे चला है। तुमसे मना किया था ना इन्होंने, मुझे मत बुलाओ, मैं बहुत खतरनाक हूँ, तुम मुझसे मुकाबला नहीं कर पाओगे। ओहो मुकाबला, हमारे उस्ताद से ज्यादा खतरनाक हो जाएगी तू। चल तो फिर मुकाबला ही कर तू कल को 1 बजे आ जाइए। हाँ।
हाँ आ जाऊंगी। आओ भाई आओ मुकाबला करो। अबे तो ये ढोलक पोलक क्यों लाया है? तुमने तो कहा था कल को 1 बजे मुकाबला होगा। आओ तो फिर आओ करें लड़ाई। ना लड़ाई वाला मुकाबला हमसे ना आता भाई, देख रिया इसकी। हम तो वो वाला मुकाबला जा रहे हैं, टीना परवीन तस्लीम आरिफ का कब्बाली वाला। मैं चल बे, वो हमारे बस की ना। अरे तुम टेंशन मत लो, मैं कर लूंगी इनकी तो, मैं 2 मिनट में कान फाड़ दूंगी। शेष आ रही हमें थोड़ी बहुत ना। अरे बहुत हमें, चलो तुम आओ तो फिर आओ। जान भी गया भाई, कर लेगी काम को। हेलो मुकेश, हम इन्हें नाग नागिन को मुकाबले में लगा रहे हैं, तू इतने इनकी मड़ी पार कर ले, मैं तुझे कॉल करता हूँ मुकाबले के बाद। सुन रे सपेरे, मेरा शेर ना किसी से संभला ना किसी से संभलने वाला, और मुझे लगता है तू शैतान का साला। के चलती जवानी कब तक छुपाओगी, कभी ना कभी तो इस सपेरे के लपेटे में आओगी। और मेरी जान, इन दुद्दियों पे जंग लग चुका है, फोन करके मुझसे कब दबाओगी। के तेरे गोरे गोरे गाल, इन गालों पे तिल है काला। ओ छोरी ओ छोरी ओ छोरी, खोल मोहब्बत का नारा। ओ छोरी खोल मोहब्बत का नारा। ओ छोरी खोल मोहब्बत का नारा। मेरी छाती दाब दे, इतनी औकात नहीं तेरी, और उल्टा करके गाण मार लूंगी तेरी। हाय कैसे, ऐसा शेर मारूंगी जिंदगी में लग जाएगा धक्का, और सुनने में आया है सपेरे तू है छक्का। तवज्जो दे इरशाद इरशाद, बिना परखे बिना सोचे हमें छक्का बताती हो, कभी लिया है हमारा ये पक्का बताती हो, अभी मूंगफलियों में खेली बड़ी हो मेरी जान। तुम्हारी मूंगफली में दाना नहीं, अभी तुमने हमारे सामान को सही से पहचाना नहीं। हाय तू है तीखी नागन, तेरे पीछे पागल। आहा तू है तीखी नागन, मैं हूँ तेरे पीछे पागल। जाना तू है पक्की छीना। के छोरी खोल मोहब्बत का नारा। के छोरी खोल मोहब्बत का नारा। बहन की लोड़े तेरी मैया चुद गई। हाय 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 ए फैन की लोड़े तेरी मैया चुद गई। हाय 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 लोड़ी आहा। क्या चोरी खोल मोहब्बत का नारा। क्या चोरी खोल मोहब्बत का नारा। क्या चोरी जो दिल में बात है जानम तुमको बोल देंगे, इशारा कीजिए तुमको नोटों में तोल देंगे। बंदूक पे क्या शक करती हो मेरी जान, हम तो खटके खटके में तुम्हारी चुन्नटे खोल देंगे। के छोरी खोल मोहब्बत का नारा। के छोरी खोल मोहब्बत का नारा। आओ हम खेलेंगे, आप मेरी ले लेंगे, यही तो प्यार की कसौटी है। अभी तो मेरी बहुत छोटी है, देख तेरे लिए इस दिल में कितना प्यार भरा है। अरे नहीं आपका बहुत बड़ा है, ये तेरा हुस्न और निखार देगा, अगर ये घुस गया तो मेरी फाड़ देगा। अरे लेने देने की बात करता है, सिर्फ 2 मिनट का खेल है, मेरे सामने तो जोनी सिंस भी फेल है। जितने पैसे तू कमाता है उतना महंगा तो मेरी बुलबुल का तेल है। अरे बोल चले कुछ बोल। अरे उस्ताद मुझसे क्या है, मुझसे तो कुछ भी ना आता, मैं तो तुम्हारे पीछे आई तो गया हूँ, तुम कुछ बोल दो। अरे मुझे ना पता भाई साहब, बिल्कुल भी बोलो। इजाजत है तुम्हारी? देखो बुरा मत मानना, मामला थोड़ा संगीन पहुंच सकता। कह दो। नंगी करके नंगी करके नंगी करके मारूंगा तेरी गुसल खाने में, नंगी करके मारूंगा तेरी गुसल खाने में। ए नंगी करके मारूंगा तेरी गुसल खाने में, कपड़े भी रुक
जा कपड़े भी उतारूंगा तेरे गुस्से खाने में कर रे बैठ के लड़े अबे चेले मुकेश आर्या तू जल्दी थैला ले का माली रखेंगे ठीक है ले आया माली माली की बात कर रहे हैं जान बचानी भारी पड़ गई क्या हो गया गुरुजी ये समझ लो उनका डबल रोल था दो तो तुमसे मुकाबला कर रहे थे और दो वहां नाग माली की रक्षा कर रहे नाग ने यो संटी फेरी मेरे ऊपर गजरो लेकर पुल तक भगाया मुझे तू अपने अड्डे पे पहुंच इन सालों को मैं देखता हूँ अरे यार इसे जीप को अंदर को कर ले यार सुपुड़ सुपुड़ करे जा हमें कुछ बात करनी है बताओ क्या बात करनी है या तो अपनी मली राजी से दे दे अन्य साले पीटूंगा बहुत बता रही हूँ तुमसे मेरा बाल भी भागना होने वाला क्योंकि मेरे पास ऊपर की शक्ति है ऐसे तो हमारे पास ऊपर के असर है साले ऊपर ही ऊपर काटेंगे तुझे हम सुन बे भोसड़ी के स्नेक 40 दिन है तेरे पास या तो राजी से अपनी मली दे दीजिए अन्य साले थपड़ाऊंगा आके तेरी माँ चौधरी तेरी तूने बहुत दुखी कर लिया भाई जो तुम सो वो कर लियो जाओ शेरा जी मालिक वो जो अपना आंध्र प्रदेश से ट्रक आ रहा था क्या रहा उसका मालिक उस एरिया में नया SSP आया है वो बहुत दिक्कत कर रहा है मुंह पे पैसे फेंक के मारो उसके जी हाँ भाई क्या रहा रहता ही क्या चपर रिया बहुत खतरनाक गुस्से में इस टाइम तो अब तो बड़ी वाली तपस्या करनी पड़े तो करो तपस्या फिर तपस्या हो तो जाएगी मगर खर्चा लंबा चौड़ा आ रहा यार तपस्या में पैसे कितने हो जाएंगे यहाँ से 10-20 हजार रुपए 10-20 हजार रुपए की बात कर रिया रोज के 70-80 हजार रुपए खर्च होंगे मान के चलो 40 लाख रुपए का खर्चा आगा ऊपर का हम देख लेंगे चलो फिर करवाता हूँ मैं पैसों का इंतजाम लेकिन इस बार काम फुल एंड फाइनल होना चाहिए हाँ भाई पैसों का इंतजाम करवाऊंगी काम बिल्कुल तुम्हारा टन होगा अब का शिकायत वाली बात ना मजाक तो है ही ना बिल्कुल 40 लाख रुपए में तो आग लगी है लेकिन इस मुसीबत से छुटकारा तो मिला गुरुजी सांप मुझे मारना चाहता है जल्दी आ जाओ शेष नाग से जो श्राप मिला हुआ था आज वो खत्म हो गया है इस दिन का हमें बेसब्री से इंतजार था आज तुझे मार देंगे लेकिन मैंने किया क्या है मेरी गलती क्या है आखिर मुझे ये तो बताओ साले गलती करके नादान बन गया तूने हमारी इकलौती औलाद मारी है हम उसका बदला ले रहे हैं तुझसे मैंने नहीं मारा तुम्हारा बच्चा अभी तुम्हें पूरी सच्चाई नहीं पता तो क्या है सच्चाई आओ मेरे साथ फ्लैशबैक में बताओ इसमें मेरी गलती कहाँ है मैं अच्छा खासा अपनी खाट पर सो रहा था अबे तुम्हारा बच्चा मेरे चप्पलों के नीचे क्या अपनी मां चुटवा रहा था उस भोसड़ी वाले की गलती है और इसकी गलती है इससे तुम्हारा लौंडा शिमला नहीं करम झड़ में गोला दो उसका भी ख्याल नहीं रखेगा तुझसे तू आ रहा है इस लुवाई के कहने में मेरा फोटो ले फिर रही है ऐसा तो जोनी सिंह का फोटो ले फिर रही है उसे भी ना मार रही उनकी फैन हूं मैं सांप पाले हैं वो सांप पाले हैं मैं तो उनके यहाँ कई बार गया हूँ मैंने तो नहीं देखा कोई सांप अरे भाई साहब ये वाला सांप नहीं ये वाला सांप लाल खुदो साली खुदी घर में तोप है फिर भी दूसरों की पिस्तल पे ध्यान जारी आते रहा है बताओ एक गलत फहमी के चक्कर में तुम मुझे मानना चाहते थे तुम भी तो हमारी नागमणि छीन के हमें मानना चाहते हो ना नागमणि मैं ना छीनना चाहता वो तो मुझसे बाबा ने कही बाबा ये आप बाबा सब फ्रॉड होते हैं ऐसा कैसा फ्रॉड होते हैं भाई ऐसा कि नाने का तुझे ये तो फिर देख करामत चालीस दिन को क्या चलेगा लोंडे पर अटैक कर रिया अलग निरंजन काला दत्त मंजन सफेद दत्त मंजन बाबा अच्छा वो तुम आ गए बिल्कुल अभी गए हैं वो दोनों अगर तुम ना आते तो मुझे जान से मार देते वो समझ गया मैं जैसे ही कदम देखे होंगे ना मेरे पड़ते हुए गाड़ फट गई होगी साले की आज फूनल फाइनल कर दूंगा इसकी मां चाहो इसकी बड़े वाले गुरु से ध्यान लगाओ तुम तो कुछ बात करना चाह रहे हैं
सोच लो। अरे नहीं, बच्चा है अगला, दिक्कत है उस पे। क्या कर देखता हूं, 10,000 रुपए की गड्डी दे, काम बिल्कुल थोड़ा सा रह गया, अल्लाह चली अभी करता हूं। क्या दोबारा बताओ? अरे गुरुजी तुम बावले हो रहे हो क्या? तुम्हें बड़ा कहते हो, शर्म आ रही है मुझे। अगले की फैक्ट्री में आग लग गई, उसके गांव में आग लग गई, कहां से करेगा? करना पड़ेगा, अर्जेंट है ज्यादा ही। देख भाई, नोक नोक पे मामला अटका पड़ा है, दोनों सांपों की पूंछे हाथ में है, एक पूंछ इसके हाथ में, एक मेरे। 10 लाख दे दे नगद और कब्जे में हमारी, दोनों चीजें तेरी, मली भी और नाक भी। कर रहा इंतजाम, हो जाओ काम। ये लो, तू 2 मिनट यहीं रुक, अभी पकड़ कर लगाता हूं दोनों को ही। ठीक है भाई, जा रहा है हम, हैं पकड़ लिए दोनों हमने, तू एंजॉय कर। अबे ओ कहाँ है, दिखा कर तो जा। अरे इसमें है, इसमें। अबे साले है कुआ, दिखा कर जा पहले। है बाबला क्या, देखिए मत ना बिल्कुल, इसमें से निकाल कर, बहुत खतरनाक है, डर जाएगा तू। ना दिखा कर जाने का ना। ठीक है चल ले फिर, है चल भाई, चल पकड़ कर ले गई ने। हाँ भाई, कहाँ है सांप इसमें? गया का देखो। अबे अबे ये तो फन बना रिया, अबे ये तो फन बना रिया, ये तो फन बना रिया। सालो कब तक चूतिया बनाओगे? चल चल ना पैसे दे। हाँ भाई यहाँ को आओ। ये कौन है ना, कौन है ये? हे 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 हे, थैले में तो सुराग हो रिया, इसमें से भगे साले। निकल गए तो ना। सालो इतना काटूंगा, याद रखोगे? तुमने बहुत बर्बाद कर लिया मुझे। चलो निकले यहाँ से, अपना बोरे बिस्तर उठा के। हाय बहन, चल। साहब एक बात कहूँ, तुम इंसानों में एक बहुत बड़ी कमी है। तुम्हारी जिंदगी में इतनी सी परेशानी आ जाए ना, तो तुम उस ईश्वर अल्लाह भगवान सबको भूल जाते हो और इन जैसे ढोंगी बाबाओं पे विश्वास कर लेते हो। इसलिए याद रखो, दुख उसने दिया है तो सुख भी वही देगा। सही कह रहे हो तुम, इन ढोंगी बाबाओं ने ना मुझे बिल्कुल बर्बाद कर दिया है। जिस घर में मैं खड़ा हूँ ना, ये तक गिरवी रखा हुआ है। अब बस मेरे पास मेरी बहू है, जो मेरे सुख में दुख में हर समय मेरे साथ है। मालिक, मालिक इनको सवेरे उठा के ले गए। क्यों? है जी, एक बात बताओ, तुम इतना अच्छा आलीशान बंगला छोड़ के हमारे साथ नंगा फुक्को के साथ क्यों आ गई? देवर जी, वहाँ पे हर चीज टाइम से मिल रही थी, इज्जत भी, दौलत भी, शोहरत भी, बस। गाइस, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और बहुत सारी कमेंट करो। वीडियो का बेस्ट पार्ट कमेंट में बताओ और गाइस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। एंड गाइस, चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, रेड आइकन आ रहा होगा नीचे उस पर क्लिक करो एंड बेल आइकन भी प्रेस कर लो। और गाइस ओक्टा एफएक्स को डाउनलोड करो, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और गाइस इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो और फेसबुक पे कर लो, हमने न्यू पेज बनाया है, उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। गाइस की कास्ट।